सेकंड फीचर्स मेरे को बताना, ज्यूरिडिक्शंस का मीनिंग क्या है? डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट गो ऑन द सेम सिटीजन बट ईच ईयर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शंस. व्हाट डू यू मीन बाय ज्यूरिडिक्शन? लिमिटेड एरिया मैम, लिमिटेशंस. उनका एरिया होता है वो अलग होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एरिया अलग है, स्टेट गवर्नमेंट है उसका एरिया अलग है. इसका एग्जाम्पल में क्या बताओगे आप? कैसे एग्जाम्पल दिए हुए, कैसे एरिया को डिफर किया हुआ है बेटे उन्होंने? मैम स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट. वेरी गुड. जैसे उन्होंने लिस्ट बना दी है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंट्री. लेजिस्लेचर. हाँ जी, ठीक है बेटे. उसके बाद फेडरलिज्म के उन्होंने टू फीचर्स बताए थे, टू ऑब्जेक्टिव्स बताए थे. कौन कौन से टू ऑब्जेक्टिव्स थे? नंबर वन क्या था? टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. एंड सेकंड, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज. दैट इज इन द नंबर वन, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री एंड सेम टाइम अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी. सेकंड है क्या बेटे? देन क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अपने अपने राइट्स मिलने चाहिए. ओके, उसके बाद आज हमने करना है टू टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम. यहाँ से करना है ना आज हमने द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. यस मैम, यही से करना है ना बेटे आज हम लोगों को. यस मैम. अच्छा ये बताओ, सबसे पहले अटेंडेंस आप गूगल फॉर्म में फिल कर रहे हो ना सब बच्चे? यस मैम. जिनकी भी अटेंडेंस गूगल फॉर्म में आएगी वो बच्चे प्रेजेंट माने जाएंगे, बाकी एब्सेंट माने जाएंगे क्लास में. ये अपने फ्रेंड्स को बोल देना बेटे. और बाकी तो आप लोग जो ये क्लास अटेंड कर रहे हो ये भी सारा रिकॉर्ड है, जो कि जूम के ऊपर आपकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें सब बच्चों की अटेंडेंस अपने आप रिकॉर्ड हो जाती है. उसके बाद देखो बेटे, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर. कहते जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हैं, ये अलग अलग उसमें जो है वो अलग अलग हैं, अलग फेडरेशन में अलग अलग हैं. ये फेडरेशन है जो दो टू टाइप्स की होती है, एक तो कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर. आगे हम इसके डिटेल में देखेंगे. दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशंस आर फॉर्म्ड. कहते ये जो बैलेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि फेडरेशन की फॉर्मेशन कैसे हुई है, वो कंट्री जो है वो फेडरल कंट्री कैसे बनी है, कैसे उसको फेडरेशन बनाया गया है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड. कहते दो तरह के रूट्स हैं जैसे जिससे फेडरेशन का फॉर्मेशन होती है. कौन कौन से है वो फॉर्म? फर्स्ट है द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व द इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ध्यान से सुनना बेटे, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. हाँ, इसको ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन है इसकी. कमिंग क्या है बेटे, इसको पॉइंट्स को ध्यान से सुनो. क्या बताया इन्होंने कि क्या है फर्स्ट, क्या है द फर्स्ट रूट, क्या है? इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट. कि जितनी भी फ्रीडम स्टेट्स होती हैं वो इकट्ठी मिलकर एक बिगर यूनिट का निर्माण करती हैं. जैसे हमारे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या जितनी और जो है, मान लो अगर ये सारी स्टेट्स इकट्ठी, जैसे इन्होंने यूएसए का एग्जांपल दिया, यूएसए में कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क है, कितनी सारी स्टेट्स हैं वहाँ पर, वो सारी स्टेट्स मिलकर क्या करती हैं, एक बिगर यूनिट का निर्माण करती हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया ना उन्होंने, सारी स्टेट्स वो मिलकर यूनाइट कर एक यूएसए का नाम दिया ना उन्होंने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूके, यूनाइटेड किंगडम का नाम दिया ना बेटे उन्होंने. क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ बेटे? यस मैम. क्या है बेटी उन्होंने क्या बताया? Yes, ma'am. First route involves independent states coming together on their own, अपने आप अपनी मर्जी से आती हैं, to form a bigger unit. और किस चीज का निर्माण करती हैं? Bigger unit का निर्माण करती हैं, so that they pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. ताकि वो क्या बने? Sovereignty को बनाकर रखें और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखें, अपनी आइडेंटिटी को खोए ना वो. एंड और क्या करें? सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्रूव करें, इंक्रीज करें, ताकि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे. अब सारी प्रोविंसेस ने मिलकर जो था वो एक यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया. तो यूएसए देखो एक बिगर पावर है ना, कितनी बड़ी पावर वर्ल्ड में है ना, एक बिगर पावर. भावना क्या कर रहे हो आप? छोटे बच्चे हो कि मैं इसको स्टॉप करूं?
वो एक बिगर पावर बनकर बेटे आप लोगों के सामने उभर के आई हुई है ना, पूरे वर्ल्ड के सामने। तो दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कौन कौन से देशों में है ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन? यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हुआ बेटे? समझ आया बेटे कमिंग टुगेदर का मीनिंग? मैम यस मैम, एक कमिंग टुगेदर में जो कंट्रीज होती हैं उनकी सेंट्रल पावर एक हो जाती है। हाँ जी बेटे, सारी स्टेट्स मिलकर एक बिगर यूनिट का निर्माण कर देती हैं, छोटी छोटी स्टेट्स मिलकर एक बिगर यूनिट का निर्माण कर देती हैं, उसकी फॉर्मेशन कर देती हैं। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरलिज्म ऑल द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स यूजली हैव इक्वल पावर, जितनी भी स्टेट्स होती हैं उन स्टेट्स की सबकी अपनी इक्वल पावर होती है, एंड आर स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा द फेडरल गवर्नमेंट, और वो जो होती हैं सेंट्रल पावर के अकॉर्डिंगली ही जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। जैसे हमने इंडिया में देखा ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम का अगर आप लोगों ने ध्यान हो चैप्टर में देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी, पढ़ा था ना आपने बेल्जियम के मॉडल में? ध्यान है कुछ पढ़ा था ना बेटे बेल्जियम के मॉडल में? यस मैम, यस मैम। तो ऐसे ही उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर क्या होता है, सारी स्टेट जो होती है वो इक्वली ही स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद है देखो ये कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटे? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द सेकंड रूल इज वेयर इज अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होती है बेटे सेकंड रूल क्या, जहाँ पर एक बहुत बड़ा देश होता है decided to divide its power, अपनी powers को वो डिवाइड करता है, किसके बीच में डिवाइड करता है? बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स के बीच में एंड द नेशनल गवर्नमेंट में। कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स कौन सी हैं? जैसे हमारी हैं ये स्टेट्स है ना, हमारे यहाँ पर देश में 28 स्टेट्स। एक मिनट बेटी, नीलम मैम का फोन आ रहा है, मैं आपको एक मिनट रुको। हेलो, हाँ जी नीलम मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, क्या चीज? हाँ जी हाँ जी, वो हम रखाए थे टेंथ का दे आए थे सारे अभिनंदन। हाँ जी रखा थे। हाँ जी नहीं नहीं वो मैं, हाँ जी वो हो गया था टेंथ का, मैं रखाई थी अभिनंदन। हाँ जी चलो, अपना ड्यूटी था, आपने कर दिया था काम। हाँ हाँ जी, अपनी ड्यूटी थी, हमने कर दी। हाँ जी मैं रखा है। नीलम मैम मैं क्लास ले रही थी जूम पे टेंथ की। हाँ जी मैं आपसे बाद में करती हूँ मैं आपको कॉल। ठीक, ओके, थैंक यू। ये बेटे आप लोगों को जो बोल रही है ना, प्रोजेक्ट फाइल बनाओ, अपनी नोटबुक्स बनाओ, जो टेंथ क्लास का आपका रिजल्ट तैयार हुआ ना, उन्होंने सारे बच्चों के, सीबीएसई से टीम आई है, उन्होंने सारे बच्चों के एविडेंस देखे हैं, इवन के आपके जो आंसर शीट्स जो थी ना, आंसर शीट्स भी उन्होंने सबके ओरिजिनल मार्क्स गए हैं, आंसर शीट्स भी उन्होंने टोटल भी चेक किए हैं अंदर, उन्होंने सब बच्चों की आंसर शीट्स खोल खोल के। मेरी बात सुन रहे हो आप मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब तो मैंने मैम रिपीट करना, जो आप टेंथ का आपका जो सारा रिकॉर्ड है वो चेक हो रहा है, पिछली जो क्लास टेंथ पेपर देके गई है ना, जो आपके प्री बोर्ड में बच्चों के जो मार्क्स थे वही मार्क्स जो है वो आपके फाइनल मार्क्स में लगे हैं। आपके जितने भी एविडेंस है, सब बच्चे बोलते थे ना प्रोजेक्ट फाइल बनाओ या आर्ट इंटीग्रेटेड का जो प्रोजेक्ट बनाओ, सब बच्चों का वो चेक किया गया, सीबीएसई से ऊपर से टीम आई है, और साथ के साथ बेटे आपके उन्होंने आंसर शीट भी इवन के चेक हुई है, आंसर शीट भी, आंसर शीट्स के मार्क्स टोटल भी किए हैं उन्होंने आंसर शीट्स ओपन करके। सुन रहे हो बात आप सब? यस मैम। तो आप लोग इसको अब लाइटली ना लो, अगर बाई चांस, वैसे तो सुनने में आ रहा है जुलाई, आपके 16 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है, अगर खुल जाएंगे तब तो आपका काम सारा बेटे
ठीक ही होगा, अगर बाई चांस नहीं भी होता है तो आपको जो भी काम बोला जा रहा है ना बेटे उसको प्रॉपरली करो सब बच्चे। और इसको ध्यान से करो आपके, क्योंकि अब की बार जो है आपका जो ऑब्जेक्टिव आना है ना, जब तक आप एक एक लाइन अब नहीं करोगे नहीं समझोगे तो आप नहीं दे पाओगे बेटे, आंसर नहीं दे पाओगे ढंग से। आप सुन रहे हो मेरी बात? यस मैम। चलो फर्स्ट रूट क्लियर हो गया आपको, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म फेडरेशंस का। यस मैम। आगे है हमारा सेकंड रूट। सेकंड रूट में हमने क्या किया था? सेकंड रूट क्या बेटे, वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जहां पर एक बहुत बड़ा देश है वो क्या करता है अपनी पावर्स को सेंटर के बीच में, नेशनल गवर्नमेंट के बीच में और कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स के बीच में डिवाइड कर देता है। जैसे कौन सी होगी, ये कौन से देश हैं? इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। इंडिया। वैसे तो हम बड़े देश की बात कर रहे हैं, क्या बेल्जियम बड़ा देश था? हमने बेल्जियम पढ़ा था। हरियाणा कितना एरिया ना उसका? यस मैम। लेकिन उसने भी कहते हैं ये वाला होल्डिंग टुगेदर का फेडरेशन का मेथड अपनाया हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल जो थे वो ज्यादा थे, इस वजह से। कहते बेल्जियम आर द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट। कहते इसमें क्या होता है, उसमें तो हमने देखा ना कि सारी स्टेट्स को इक्वल राइट्स होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन में देखना, ऑल द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट यूजली हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसमें होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है बेटे, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट। Very often different constituent units of the federation have unequal power. क्योंकि कई बार जो अलग अलग states हैं उनकी भी power अलग अलग होती है। Some units are granted special powers. कुछ units को जो होती हैं वो special powers भी दी जाती हैं। जैसे हमारे देश में example था, पहले जम्मू कश्मीर था ना बेटे, जब से लेकिन अब तो दो साल से धारा 370 हट गई है तो वो special powers खत्म हो गई हैं। पहले जम्मू कश्मीर को जो थी वो special powers मिली हुई थी state को, जानते हो आप या नहीं? धारा 370 हटने से पहले जो था वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स मिली हुई थी, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उन लोगों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उनकी अपनी विधानसभा थी। ऐसे इंडिया वाला कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते थे वो, कोई बाहर का जो था वो दूसरी स्टेट का आदमी वहां जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वहां पर आप लोग जो थे घर नहीं बना सकते थे, वहां पर आप बिजनेस नहीं कर सकते थे, सिर्फ आप लोग विजिट करने घूमने के लिए जा सकते थे। पता है आप लोगों को ये बात, पता थी या नहीं? अब तो उसकी स्पेशल पावर जो है वो खत्म कर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। भारत को जो है वो फेडरल कंट्री किसने बनाया है? वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटीज। हमने देखा बेल्जियम और श्रीलंका को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब श्रीलंका में तो देखो सिविल वार छिड़ी हुई है, लेकिन बेल्जियम ने बहुत प्रॉपर ढंग से मैनेज किया। व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विच सो मैनी लैंग्वेजेस रिलीजन्स एंड रीजन्स। अगर हम हमारे देश की बात करें, हमारे देश में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, इतने सारे रिलीजन्स के लोग हैं, तो उनका क्या बनेगा? इतने सारे रीजन्स हैं, कितने सारे रीजन्स हैं, देखो कितनी सारी स्टेट्स हैं। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री। हमारे देश में जो है वो पावर्स को कैसे शेयर किया जाएगा? That is begun with the constitution. India has emerged as independent nation after a painful and bloody partition. अगर हम constitution की बात करें तो हमारा देश आजादी के बाद जो था वो, जिसमें एक bloody partition हुआ, भारत और पाकिस्तान बना, बहुत सारे लोगों की death भी हो गई independence के बाद। Soon after independence, several princely states became a part of the country. बहुत सारी princely states जो थी वो भारत का हिस्सा बनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सुना है ना, जिन्होंने 538 या 562 स्टेट्स को जो था वो हमारे देश में मर्ज करवाया था, मिलाया था। कहते द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को जो था वो यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया था। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, कहते इसको जो है वो फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया जाता था। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन, कहते भारत का जो प्रिंसिपल है वो फेडरेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरेशन के ऊपर बेस्ड है। लेट अस गो बैक द सेवन फीचर्स ऑफ फेडरेशन मेंशन्ड अबव।
जो हमने पीछे सारे फीचर पढ़े थे, वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स मैम इसका. हां जी बेटी बोलो बोलो मैम. इसका मींस हम इंडिया को हम इंडिया को फेडरल कंट्री कह सकते हैं? नहीं. हां जी इंडिया इंडिया सिस्टम इज फेडरल सिस्टम. पीछे हमने एग्जांपल में देखा था होल्डिंग टुगेदर में. इंडिया का एक्चुअली जो है इंडिया का जो है वो मिक्स सिस्टम है. इन सम पार्ट्स इज फेडरलिज्म, इन सम पार्ट इज यूनिटरी. Let us go back to the seven features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provision of Indian Constitution. अगर हम पीछे की बात करें तो ये सारे features जो है वो किसके ऊपर based है बेटे? Federal system के ऊपर based है. ये सारे features जो है Indian Constitution. The Constitution originally provided for a two-tier system of government. कहते Constitution ने हमें जो provide किया था two-tier system provide किया था. The union government or what we call the central government. एक तो union government जिसको हम central government भी बोलते हैं, जो represent करती है, किसको represent करती है? पूरी country को represent करती है ना, पूरी country के लिए होती है ना central government. पूरी country को represent करती है या नहीं? To represent the union of India. And a state government, एक state government है जो कि state को represent करती है. Later, a three tier of the federalism was added in the form of panchayat and municipality. एक तीसरी government भी बनी जिसको हम क्या बोल देते हैं बड़े? Local government. As in any federations, these different tiers enjoy separate jurisdictions. अगर हम federations की बात करें तो इसमें जिनकी अपने तीनों की अलग अलग जुडिक्शंस हैं, अलग अलग उनके दायरे हैं, अलग अलग उनकी पावर्स हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो क्लियरली प्रोवाइड कर दिया है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट. देखो ये कौन कौन सी इनकी तीन लिस्टें बना दी है ना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं बेटे. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर, एक्सप्लेन दैम. कौन कौन सी बेटे? फर्स्ट है यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट क्या है? इंक्लूडेड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. एंड दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री. कहते हैं इनमें इंक्लूड करते हैं इस लिस्ट में क्या आता है बेटे? ताकि यूनिफॉर्म पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनी रहे, पूरे देश को जो है वो प्रॉपर ढंग से चलाया जा सके. द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक, इसके लिए कानून कौन बनाते हैं? सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट. इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं. सेकेंड है हमारा स्टेट लिस्ट. इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस. ये जो होते हैं स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं सच एज पुलिस, स्टेट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन. जिसमें कि हमारा पुलिस, स्टेट, कमर्स और एग्रीकल्चर, इरीगेशन आ जाता है. अब ये जो हमारा एग्रीकल्चर बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, इसके ऊपर क्यों इतना झगड़ा हो रहा है? देख रहे हो ना किसानों का कितने कब से चल रहा है आंदोलन. एग्रीकल्चर बिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, जबकि ये हमने इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है. इसके ऊपर डिस्कशन की है कभी? इसके बारे में सोचा है बेटे? एग्रीकल्चर बिल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन इसके बारे में कानून किसने बना दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. तो इसके ऊपर काफी टाइम से देखो आप किसान आंदोलन चल रहे हैं. द स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन मैरिज, ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है. ट्रेड यूनियन मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन. बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट. कहते जितने भी हमने पढ़े हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर दोनों मिलकर इसके ऊपर कानून बना सकते हैं. इफ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर दोनों के बीच में ये लॉ के लेकर कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई झगड़ा होता है, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल. तो यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है. जैसे अब किसान बिल के उसमें हुई है, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ जो है वो प्रिवेल कर दिया है. Prevail the law on agriculture bill. Clear हुआ बेटे ये list? Clear हुई? Sorry ये constant list आ गया आपका. State list clear हुई बेटे?
यस मैम उसके बाद कॉन्ग्रेंट लिस्ट में भी आपका यही आ जाता है बेटे फॉरेस्ट मैरिज एडॉप्टेशन ये जो है ये वाला ये आपने पढ़ा ना बेटे फॉरेन ट्रेड यूनियन मैरिज ये कॉन्ग्रेंट लिस्ट में आता है ये कॉन्ग्रेंट लिस्ट में आता है स्टेट लिस्ट जो है वो आपकी यहीं तक है द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन इट यहाँ पे आपके स्टेट गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा स्टेट लिस्ट खत्म हो जाएगी यहाँ पे आपकी ये बुक में शायद पार्ट कटा हुआ है कुछ ये जो आपका यहाँ से शुरू आ जाता है ना फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन ये सारे आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में जो कानून बनाते हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाते हैं स्टेट लिस्ट का जो लॉ बनाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है उसके बाद ये आपकी फोर्थ लिस्ट आ जाती है व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी थ्री लिस्ट जो तीनों लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है उसके बारे में क्या है और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड या फिर जो सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बने अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज अ पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेजुडरी सब्जेक्ट ये कौन सी लिस्ट आ गई आपकी रेजुडरी लिस्ट आ गई है बेटे आपकी आपकी फोर लिस्ट है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट और लास्ट आपकी जो लिस्ट आ जाती है रेजुडरी लिस्ट रेजुडरी लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आते हैं बेटे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम कंप्यूटर आपकी आवाज नहीं आ रही जब हमारा बेटे कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कंप्यूटर नहीं था उस समय आपका आईटी सेक्टर नहीं था तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये रेजुडरी लिस्ट में आ जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हुआ क्लियर इसको रेजुडरी लिस्ट बोल देते हैं लेकिन इनके ऊपर किसको कानून बनाने का राइट है नेशनल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट को वी नोटेड अबाउट द मोस्ट फेडरेशन दैट are formed by the holding together do not give equal power to its constituent units humne kya dekha bete jo holding together government hai usne kya kar rakha hai constituent units ko equal power nahi di di these all states of the indian union do not have identical powers some states enjoy special special status kon kon si hai what is wo state jinko special status diya gaya note karo ye question puch lete hain aapse कौन कौन सी स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है जो हमारी नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर ईस्टर्न स्टेट है जम्मू कश्मीर में से तो हटा दी आर्टिकल 370 हटा दिया गया असम नागालैंड हिमाचल प्रदेश एंड मिजोरम मणिपुर नागालैंड ये देखो कौन सी है हमारी जो ईस्ट में स्टेट्स हैं असम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 371 due to their peculiar social and historical circumstances these special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land right of indigenous people their culture and also preferential employment in government services kis wajah se bete inko special powers di gayi hai ek to wahan ka jo culture unka uska jo historical circumstances hai wahan par forest itne zyada hai wahan par greenery itni zyada hai और वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी बैकग्राउंड एरिया बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है वहाँ की लैंड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर इधर से जाकर लोगों ने उधर इंडस्ट्रीज लगा दी तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा डिग्रेड हो जाएगा और वहाँ के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ का जो इंडिजीनियस पीपल है वहाँ का जो कल्चर है वहाँ पर आपको जो है वो आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के भी लोग काफ़ी मिलेंगे कहते उनको बचाने के लिए और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए अगर इधर से लोग उधर जाने लगे तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर उनका ख़त्म हो जाएगा तो इसकी वजह से जो है वो इन स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई हैं क्लियर हुई बेटे बात क्लियर हुई जम्मू कश्मीर इन्होंने कट कर दिया पहले जम्मू कश्मीर आता था इस चैप्टर में क्लियर हुई बेटे बात है कौन कौन से स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई हैं और क्यों दी गई हैं कौन से आर्टिकल में दी गई है 71 है कौन सा आर्टिकल है बेटे 371 370 आर्टिकल जो था वो जम्मू कश्मीर पे लगा हुआ था जिसको कि हटा दिया गया जिसको खत्म कर दिया गया है हुआ क्लियर उसके बाद है बेटे इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट्स कैन नॉट बाय लैंड और हाउस देयर देखो जो स्टेट्स के परमानेंट मेंबर नहीं है वो वहां पर ना तो मकान बना सकते हैं ना ही वहां पर क्या कर सकते हैं अपना कोई बिजनेस लैंड खरीद सकते हैं सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल इसी तरह कुछ प्रोविजन जो है वो कुछ और स्टेट्स को भी दी गई हैं इंडिया के देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनिट्स विच एंजॉय वेरी ये भी अब ध्यान से सुनना
ये क्या है, आपकी जो यूनियन टेरिटरीज बनी हुई है वो क्यों बनाई गई है, ये क्वेश्चन, ये इसको पूरा पैराग्राफ का एक क्वेश्चन बन जाता है. व्हाई द यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्मड, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनिट विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर्स, क्योंकि हमारे भारत में कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनके पास बहुत थोड़ी पावर्स हैं. These are area which are too small to become an independent state. ये एरिया कहते इतना छोटा है इसको हम अलग स्टेट नहीं बना सकते. But which could not be merged with any of the existing state. ना ही इनको किसी और existing state के साथ मर्ज कर सकते हैं. अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब हरियाणा की कैपिटल है, अब चंडीगढ़ इतना छोटा है कि इसको हम अलग स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते. दे सकते आप चंडीगढ़ को स्टेट बना सकते हैं, बोलो. ऐसे जैसे हमारे हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, पंजाब में 25 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो क्या चंडीगढ़ का कोई डिस्ट्रिक्ट बनेगा? वहां तो सेक्टर है ना बेटे, चंडीगढ़ में सेक्टर है ना बेटे, बोलो जवाब दो जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है. क्लास 10th? यस मैम. तो इस करके कहते हैं इनको ना तो हम अलग से कोई स्टेट बना सकते हैं, ना ही किसी स्टेट के साथ मर्ज कर सकते हैं. विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी अदर एग्जिस्टिंग स्टेट. दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज. इनको हम क्या बोल देते हैं बेटे, क्या बोल देते हैं इनको हम? यूनियन टेरिटरीज. These territories do not have the power of the state. इनको स्टेट की तरह पावर नहीं होती. यहाँ पर सीएम नहीं होता इन टेरिटरीज में, पता आपको? चीफ मिनिस्टर नहीं होता यहाँ पर. यहाँ पर एमएलए के लिए इलेक्शन नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन होती है एमपी के लिए. ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है. दीज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरिया. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है इन एरिया को रन करने के लिए. दिस शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो शेयरिंग पावर है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं बेटे, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. इट इज नॉट ईजी टू मेक चेंज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. कहते इनमें पावर्स में जो है वो आसानी से चेंजेस नहीं किया जा सकता. द पार्लियामेंट कैन नॉट ओन इट्स ओन चेंजेस दिस अरेंजमेंट. पार्लियामेंट अकेली इसमें चेंज नहीं कर सकती. अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो अकेली पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती. Any change to it has to be first passed by the both the houses of the parliament with at least 2/3 majority. अगर हमने कोई चेंज करना है, कोई अमेंडमेंट करनी है, पहले उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, कौन कौन से दो हाउस हैं पार्लियामेंट के बताओगे? लोकसभा राज्यसभा. कौन कौन से दो हाउस हैं पार्लियामेंट के? लोकसभा राज्यसभा एंड राज्यसभा. लोअर हाउस एंड अपर हाउस. कहते हैं इसको पहले लोअर हाउस और अपर हाउस में पास किया जाता है 2/3 मेजोरिटी से. देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर फॉर एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. फिर उसको बाद कहते हैं लेजिस्लेचर में रेटिफाई किया जाता है, यानी कि जितनी हमारी टोटल स्टेट्स हैं वहाँ पर, अगर हमारी 28 स्टेट हैं तो 40 स्टेट्स में से इसको जो है वो यस मिलना चाहिए. द जुडिशरी प्ले तब जाकर जो है वो अमेंडमेंट की जाती है. The judiciary plays an important role in the overseeing the implementation of the constitution provisions and procedure. कहते हैं जो judiciary का, हमारी जो कानून व्यवस्था देखने वाली जो judiciary है उसका भी बहुत important role होता है कि constitution में जो भी implementation जो भी है over उसको implement किया जा रहा है, procedures को या नहीं किया जाता. In case of any dispute about the division of powers, the High Court and the Supreme Court make a decision. अगर powers को लेकर कोई dispute होता है तो High Court या Supreme Court जो है वो decisions लेती है. The union and state government had the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government. कहते हैं union और state governments के पास power होती है कि वो resources को raise करें, जैसे वो टैक्सेस वगैरह करके या फिर कोई और ढंग से, ताकि वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ा सकें. कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम. जितनी भी उनको गवर्नमेंट्स को जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उसको प्रॉपर ढंग से वो काम कर सकें. ये सब कुछ कौन देखता है बेटे? जुडिशरी देखती है वहाँ की. ये आज हम इतना ही करेंगे. इससे जो रिलेटेड जो है बेटे, इन्होंने ये कुछ दिए हुए हैं बुलेटिन, दिए हुए हैं लिसन वन नेशन ऑफ द वन रीजन न्यूज बुलेटिन.
क्या है न्यूज आइटम दैट रिलेट ओनली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन सी न्यूज चल रही है आजकल सेकेंडरी है वो न्यूज आइटम दैट रिलेट ओनली टू अवर स्टेट गवर्नमेंट टू यूपी गवर्नमेंट ने देखा है कल कौन सी अनाउंसमेंट की है सुने किसी ने कल यूपी गवर्नमेंट ने एक अनाउंस की है इतनी बड़ी न्यूज सुनी है किसी ने श्यामी सुनिधि कीर्ति कल की न्यूज सुनी थी यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया था अनाउंस किया यस मैम पॉपुलेशन को पॉपुलेशन कंट्रोल डिक्रीज करने के लिए उससे ज्यादा बच्चे हैं उनको इलेक्शन में वो नहीं दिया जाएगा राइट इलेक्शन में नहीं उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी मैम और वोट भी नहीं दे पाएंगे वो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो ये ऐसे वो स्टेट गवर्नमेंट का वोट का भी था वो स्टेट गवर्नमेंट का फैसला हो गया गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई फायदा नहीं होगा हां जी बेटे बोलो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई फायदा नहीं होगा कुछ कह रहे हैं बेटे कीर्ति जोर से बोलो बच्ची थोड़ा मैम गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई फायदा नहीं होगा अच्छा चलो आगे उन्होंने बोला न्यूज रिलेटेड टू द सेंटर एंड स्टेट को रिलेशन को लेकर कोई न्यूज आजकल तो बहुत चल रही है बेटे सेंटर और स्टेट को लेकर बहुत सारी न्यूज चल रही है तो ये न्यूज बुलेटिन के बारे में उन्होंने बताया कि आप लोग इनको नोट करो अपनी नोटबुक में कोई भी आज की डेट की आप न्यूज लिख सकते हो अपनी नोटबुक में अच्छा ये उन्होंने पोखरण के बारे में बताया है पोखरण पता है कौन सा जहाँ पर बेटे इंडिया जो है वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो करता है ये राजस्थान में ये जगह है राजस्थान चाहे तो वो अपोज कर सकता था कि मैं परमिशन नहीं दूंगा आर्मी को या फिर फोर्स को वहां पर जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के हित की बात थी तो राजस्थान जो है वो इसके लिए मना नहीं कर सकता आगे इन्होंने एग्जांपल दिया कि सपोज द सिक्किम गवर्नमेंट सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक इन द स्टेट बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक इन द केस डज द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बिफोर दिस टेक्स्ट बुक कैन बी लॉन्च्ड कहते अगर सिक्किम गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने वहां पर एजुकेशन फील्ड में किसी भी तरह की टेक्स्ट बुक्स को लॉन्च कर सकता है लेकिन वो टेक्स्ट बुक्स कैसी होनी चाहिए किसी का रिलीजन हर्ट नहीं होना चाहिए किसी की जो है वो मैम आप क्यों कट हो के आ रही है हां जी बेटे बोलो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है कि वो परमिशन ले सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो कैसे बुक्स अपनी उसमें लगाए पंजाब में देखो बेटे वहां पर जो है वो पंजाब कल्चर को प्रमोट करने के लिए वहां पर बुक्स लगी हुई है वहां के सिलेबस में अगर सपोज द चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा हैव अ डिफरेंट पॉलिसी हाउ द स्टेट पुलिस शुड बी रिफॉर्म तो ये उनकी अपनी मर्जी है वो अपनी पुलिस को लेकर कोई भी कानून को वो बना सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा था ना क्लास 8 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ध्यान है कुछ क्लास 10th का टाइम खत्म हो गया मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही चलो अब मैं बंद कर रही हूँ बेटे टाइम खत्म हो गया बस कभी भी ऑफ हो रहा है ओके बाकी हम कल डिस्कस करेंगे ओके बेटे मैम ये रिकॉर्डिंग आप भेज देना क्लास मैं भेज रही हूँ पिछली भी भेज रही हूँ ओके बेटे बाय बाकी कल मिलते